90 के दशक के स्टार सनी देओल जल्द ही अपने एक्शन लुक के साथ बॉलीवुड में कमबैक करने जा रहे हैं। खबर आ रही है कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने एक बार फिर से घातक स्टार के साथ हाथ मिला लिया है। इन दोनों ने साथ में घायल और दामिनी जैसी फिल्में दी थी। हालांकि कुछ टाइम पहले दोनों के बीच कुछ विवाद की खबरें भी सामने आई थी। असल में विवाद तब हुआ जब दोनों ने शहीद भगत सिंह के ऊपर एक ही साल में अपनी अलग अलग फिल्में रिलीज की थी। बता दें कि राजकुमार संतोषी ने साल 2002 में द लीजेंड ऑफ भगत सिंह पेश की थी, जबकि इसी साल सनी की 23 मार्च 1931 शहीद रिलीज हुई थी। इसके बाद इन दोनों ने 16 सालों तक साथ में काम नहीं किया, लेकिन अब ऐसी खबर सामने आई है कि दोनों एक साथ फिर से काम करने की प्लानिंग में हैं। दरअसल ये दोनों एक बार फिर पर्दे पर घातक को दोहराना चाहते हैं। इसके लिए इसके सीक्वल घातक 2 के लिए बात कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सनी इस प्लानिंग में काफी इन्वॉल्व हैं और इसके पार्ट 2 के लिए उन्हें अच्छी कहानी भी मिल गई है। एक बार फिर ये एक एक्शन फिल्म होगी जिसमें सनी लीड रोल निभाएंगे। फिलहाल सनी पापा धर्मेंद्र और बॉबी देओल के साथ दर्शकों के सामने जल्द ही फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से पेश करने जा रहे हैं। वहीं प्रीति जिंटा के साथ उनकी दूसरी फिल्म भैयाजी सुपरहिट 19 अक्टूबर को रिलीज की तैयारी में है। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।